बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की चौकसी से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है। सारण में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। उत्पाद विभाग ने यूपी से मेरवा के रास्ते पटना लाई जा रही शराब की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। शराब तस्कर लग्जरी कार में गुप्त तहखाना बनाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छिपाकर सारण के रास्ते पटना ला रहे थे। शराब के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मिले थे कि यूपी से एक कार आ रहा जिस पर कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने सोनो चौक के पास जांच लगाया था। उसी क्रम में जांच के क्रम में इस कार को पकड़ा गया। इस पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि ये उत्तर प्रदेश देवरिया से लेकर निकले थे और इनको पटना दीघा में इसको सप्लाई देना था। इसमें करीब 15 कार्टन के आसपास विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसकी गिनती की जा रही है। इसका बाजार मूल्य करीब 1.5 लाख रुपया है और इन दोनों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की। अच्छा, जो गाड़ी है बहुत महंगे विदेशी ब्रांड की गाड़ी है, ये स्कोडा गाड़ी है, इसका भी तो मूल्य अच्छा खासा होगा। इस गाड़ी को हम लोग अपना करेंगे अधिग्रहण के लिए। लग्जरी कार है लगातार इधर इस महीने में 2-3 हम लोग लग्जरी कार से। ये सीक्रेट कहाँ बनाया गया? इसमें टिक्की के अंदर एक चैम्बर बना हुआ था और सीट के अंदर एक चैम्बर बना हुआ था, उसी में पीछे वाली सीट के। देशवा न्यूज के लिए सारण से राकेश कुमार की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।